दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। आंतरिक लोकतंत्र इस पार्टी का आधार है। एक निश्चित अंतराल के बाद पार्टी अपना सदस्यता अभियान चलाती है। पिछली बार जब हमारा सदस्यता अभियान चला था उसमें 18 करोड़ लोग पंच निष्ठाओं के आधार पर देश भर में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने थे। इस बार 2 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक जो संगठन पर्व के रूप में पार्टी के कार्यकर्ता मना रहे हैं, देश भर में 10 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य, राजस्थान में 1 करोड़ 30 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य, सीकर जिले में 2080 बूथ पर 4,15,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य, हर विधानसभा में 51,000 सदस्य बने, इस लक्ष्य के साथ आज हमने इस जिले सीकर जिले के अंदर हमारे सदस्यता अभियान की लॉन्चिंग की है। ये पार्टी इस देश के अंदर 1500 राजनीतिक दल पंजीकृत है, उससे सबसे अलग वैचारिक पृष्ठभूमि की पार्टी है। हमारे सदस्य पंच निष्ठाओं की शपथ लेकर सदस्य बनते हैं, राष्ट्रवाद की विचारधारा पर यह पार्टी खड़ी है और देश के और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर से जिस सदस्यता अभियान प्रारंभ किया था, जिसको कल मुख्यमंत्री भजन लाल जी और मदन जी राठौड़ ने राजस्थान की राजधानी में जिसकी लॉन्चिंग की थी, आज यहां लॉन्चिंग है। सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी सदस्यता अभियान हमारा चलेगा। सीकर जिले के अंदर 280 बूथों तक हम जाएंगे, हर बूथ पर 200 सदस्य बनाएंगे। 2080 बूथों पर जाकर हर बूथ पर हम 200 सदस्य बनाएंगे। सर्वव्यापी हर क्षेत्र में हमारी पार्टी पहुंचे और सर्वस्पर्शी हर वर्ग में हमारी पार्टी पहुंचे, इस नाते हम सब लोग वैचारिक पृष्ठभूमि के लोग जो हमसे जुड़ना चाहते हैं उनको जोड़ेंगे। राजस्थान के अंदर डबल इंजन की सरकार का आगाज इस शेखावाटी के लिए सौगात लेकर आया है। यमुना जल बंटवारे के अंदर पहली बार हमारा शेखावाटी चूरू सीकर झुंझुनू का हिस्सा तय हुआ है। 760 करोड़ की लागत से डीपीआर बनना प्रारंभ हो गया है। यमुना का पानी यहां तक आए, बरसों पुराना ये सपना पूरा होगा। और सड़क तंत्र को मजबूत करने से लेकर और रेल तंत्र में रिंगस और खाटू के रेल विस्तार के डीपीआर से लेकर अनेकों काम भजन लाल जी की सरकार के पहले बजट में हुए हैं। आने वाले समय के अंदर हम 6 उपचुनाव की चुनौती को सहज स्वीकार करके 6 के 6 उपचुनाव जीतेंगे और 1 स्टेट 1 इलेक्शन की अवधारणा पर जब चुनाव होंगे तो पंचायत राज और नगर स्थानीय निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपना परचम फहराएगी। पार्टी मजबूती से एक राय से एक मन से काम कर रही है, इस काम को हम आगे बढ़ाएंगे। झुंझुनू से आपके लड़ने की भी जो चर्चाएं जो है राजनीति में काफी आगे, राजनीति में चर्चाओं का दौर जारी है और जारी रहना भी चाहिए, परंतु यहाँ कार्यकर्ताओं की पार्टी है। मैं चुनाव में चूंकि पराजित हो चुका हूँ इसलिए मुझे कोई चुनाव न आगे लड़ना और वैसे पार्टी का आदेश की मैं पालन करूंगा। पार्टी कोई और प्रमुख जो पद देना चाहेगी आपको? तो कार्यकर्ता का पद सबसे बड़ा पद है, जिस पद पर हम सब लोग विराजे हैं। इसलिए अब 5 साल तक संगठन के आदेश पर गली कूचों में जाकर पार्टी की विचारधारा को मजबूत करना ही लक्ष्य है। सर, अपने से भर्ती परीक्षा के अंदर जो अभी है, जो भर्ती हुई इसके अंदर कोई अभी तक सामने नहीं आने की संभावना? बड़ी क्या बात हो सकती है, आरपीसी के सदस्य आ गए सामने और वो गठजोड़, जिस गठजोड़ के तंत्र कहीं से कहीं तक फैले हुए हैं, धीरे धीरे कईयों के चेहरे से नकाब उतर रहा है, यह आगे भी जारी रहेगा। पर आपने देखा होगा कि आज लगभग 125 से ज्यादा लोग जेलों में है, किस प्रकार नौकरियों की लूट, पेपर की लूट और नौजवानों के अरमानों की लूट पिछली सरकार में हुई, वो सरकार आज हमें इस कई मामलों में सीख दे रही है। उनको खुद को अपने गिरबा में झांक के देखना चाहिए, जहां सिर्फ कालक कालक को कालक ही नजर आ रही है। सब तबादलों को लेकर आपकी सर जो विधायक है वो सरकार पर आरोप लगा रहे, तबादले नहीं और जहां की पोस्ट खाली है वहां पर भी नई अधिकारियों को लगा रहे। देखिए, सामान्य प्रक्रिया है, तबादले होना नहीं होना, अब चूंकि पाबंदी लगी है सब सामान्य क्रिया प्रक्रिया है। निश्चित अंतराल के बाद निश्चित समय में सारी बातें हो जाएगी, किसी का कोई मतभेद और मनभेद नहीं, हम सब एक। ठीक सर।